morning, students. Myself, Indira Jain from Bharti College of Engineering and Technology, Civil Department. Today, our topic is how to solve a questions coming in the exams. मैंने previous year के question paper से question लिया है. इसको हम solve करेंगे कि कैसे draw करना चाहिए. Problem है हमारी draw a plan. Of a single story MIT house or residential building with staircase from outside. Plot size is 18 meter by 20 meter. हमको जो given है that is plot size. ठीक है, तो हमको given क्या है? Plot size that is 18 meter by 12 meter. ठीक है, given है हमारा. Plot size 18 meter by 12 meter. ठीक है, ये हमारे प्लॉट साइज हमको दिया हुआ है. अब हमको डिजाइन क्या करना है? एमआईजी हाउस. ठीक है, एमआईजी हाउस मीन्स मिडिल इनकम ग्रुप. ठीक है, अब मिडिल इनकम ग्रुप का हाउस है तो उसमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी हम पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए. ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या होगी? फर्स्ट होगी हमारी किचन विथ वॉशिंग, वॉशिंग एंड स्टोर. ठीक है, एंट्रेंस वरांडा, एंट्रेंस वरांडा, वरांडा, और उसके बाद हमारा आएगा लिविंग एंड डाइनिंग. टॉयलेट्स हमारा एक जो है बेडरूम से अटैच होना चाहिए और एक हम इंडिपेंडेंट दे सकते हैं या कॉमन, जो कि हमारा सेकंड बेडरूम को भी सर्विस देगा और हमारे जो कॉमन स्पेस है उसके साथ भी वो सर्विस देगा. इस तरीके से हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गए. आपको किचन चाहिए, किचन के साथ वॉशिंग स्पेस चाहिए, स्टोर चाहिए, एंट्रेंस वरांडा चाहिए, लिविंग एंड डाइनिंग चाहिए, बेडरूम्स चाहिए, टू नंबर्स और टॉयलेट चाहिए. यह हमारा प्लॉट साइज जो है लगभग. अब हम ये मिडिल इनकम ग्रुप है बोल रहे हैं. ठीक है, एक हमको ये जो डायमेंशन दिया हुआ है हमने पिछली क्लासेस में कहीं पढ़ा था कि जो हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसके जो टाइप्स हमने पढ़े थे रॉ हाउसेज, सेमी डिटेस्ड, डिटेस्ड, तो ये हमारा कौन से कैटेगरी में आता है? हम प्लॉट साइज से या इसके प्लॉट के एरिया से हम उसको वर्कआउट करते हैं. आपको बताई थी कि हमारा जो रो हाउसेज हैं उसका एरिया कहाँ तक होता है, किसी को याद है क्या? ठीक है, तो ये रो हाउसेज का से ज्यादा है और हमारा डिटेल्ड हाउस से कम है. रो हाउसेज हमारा होता था 50 स्क्वायर मीटर से लेके 125 स्क्वायर मीटर तक का ये प्लॉट है हमारा, तो दैट इज रो हाउसिंग. और 125 से 250 तक का हमारा एरिया है यदि प्लॉट का, तो वो हमारा सेमी डिटेच्ड में आएगा. तो हमारा इसके अंतर्गत आता है ये एरिया,
तो ये हमारा सेमिटी टेस्ट में है। अब सेमिटी टेस्ट किसको बोलते हैं, चलिए हम पहले इसको ड्रॉ करें।
अच्छी है एकदम, थोड़ा सा कम रहेगा इसमें। स्पेस को, लेकिन ये हमारा मिनिमम है। डिटेच्ड हाउस है, सेमी डिटेच्ड हाउस है, मैं आपको पहले भी पढ़ाई थी। सेमी डिटेच्ड हाउस में हम कैसे करते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा एकदम। ये मैं क्रॉप साइड में लिख देती हूँ पे 18x1। मार्जिन जो है तीन साइड छोड़नी पड़ती है, बैक साइड में ये रोड है, ये फ्रंट में और वन साइड में, और ये हम इतना ऐसे हम इस पार्ट में बिल्डिंग बना सकते हैं। ये होता है सेमी डिटेच्ड रूम। यही सेम चीज हमको इसमें फॉलो करनी है हमारे प्लॉट में, ठीक है। ये नेक्स्ट प्लॉट है, इसमें भी अगेन ये ऐसे ही आएगा, ये बैक मार्जिन आएगी, ये फ्रंट मार्जिन और साइड मार्जिन, फिर इसमें भी ऐसे ही आएगा। इस टाइप से ये डेवलप होता है एरिया, ठीक है। ये हमारा आ गया रोड साइड, ये हमारी फ्रंट मार्जिन हो गई। अब हम बैक मार्जिन मार्क कर लेते हैं। बैक में मार्जिन हमको मिनिमम 5 फीट छोड़नी होती है, तो हम इसको 1.5 मीटर यहाँ पर मार्क कर लिया। ये 1.5 मीटर है, दिस इज 1.5 मीटर, दिस इज 3 मीटर, ये मिनिमम डायमेंशन है। यदि हमको लगता है कि हमारे पास स्पेस है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। और अगेन यहां से इस डायरेक्शन से हमने इसको फिर से 3 मीटर मार्जिन छोड़ दी। इसको 3 मीटर इसलिए लेते हैं, दैट इज अराउंड 10 फीट, ताकि हमको यदि एक दो छोटी गाड़ियां हैं या टू व्हीलर्स वगैरह हैं उनको पार्क करना है, या जब हम बायलॉज पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि ये वाला जो एरिया है, बैक साइड में हम जाते हैं तो ये वाला जो एरिया है एज अ गैरेज हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर स्पेस देंगे तभी हमारी गाड़ी अंदर तक आएगी, इसलिए हम यहाँ पर मिनिमम 10 फीट का स्पेस देते हैं, ठीक है। अब हमको इसमें 2 बेडरूम में डिजाइन करना है। हमारे पास ये स्पेस कितनी बची, ये 3 मीटर कम हो गया, यहाँ से ये 4.5 मीटर कम हो गया। तो दैट मीन्स हमारे पास जो रेक्टेंगल बचा है जिसमें कि हमको हाउस डिजाइन करना है, वो हमारा कितना है साइज, सॉरी बिल्ट अप एरिया जो हमको मिल रहा है, या जो स्पेस हमको मिल रहा है जहां पर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हाउस डिजाइन कर सकते हैं, वो हमारे पास लैंड कितना बच रहा है उसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमने ओरिएंटेशन यहाँ पे चेंज कर दिया है, इसको ऐसे रोटेट कर दिया है ताकि प्लॉट वर्टिकल आ जाए। ये मेरा 18 मीटर वाली लेंथ में है और ये मेरी 12 मीटर वाली है, सही है, ठीक है। हमारे पास ये 18 मीटर जो लेंथ थी इसमें से भी मार्जिन यहाँ की और ये मार्जिन निकाल के 4.5 मीटर मार्जिन निकाली, 13.5 मीटर ये साइज हमारे पास यहाँ बचा है लाइन का, और यहाँ पर हमारा ये 9 मीटर बचा है, ठीक है। अब इसमें हम रेसिडेंस हमको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम इस पार्ट तक
पहुंचे हम, हमने ये वाला एरिया कैसे वर्कआउट किया, बेसिक में हमको ये सीखना है। ठीक है, हम इससे बाहर जाके कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, हमको जो भी हमारा एमआईजी डिजाइन करने को बोला गया है वो इसी के अंदर डिजाइन करना है। ठीक है, अब एमआईजी में जैसे कि अपन ने अभी लिखा था कि हमको एक किचन चाहिए, एंट्रेंस वरांडा चाहिए, लिविंग डाइनिंग चाहिए, बेडरूम्स चाहिए, तो हम इसको अब डिजाइन उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं क्योंकि ये स्पेस हमारे पास काफी है। हमने यहाँ पर ये एक वरांडा लिया और वरांडे के साथ हमने यहाँ पर ये बेडरूम लिया। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। ठीक है, फिर ये हमारा यहाँ पर हमने ये कुछ इस तरीके से हमने इसको वर्कआउट किया कि हमारा जो किचन बेडरूम है, ये वाले बेडरूम में हम अटैच टॉयलेट कर देते हैं, इसको हम एज अ मास्टर बेडरूम डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला एरिया हमारा ये ऐसे करके हमने भी इसको ऐसे लेके ये ऐसा कुछ डेवलप किया और ये हमारा ओपन टू स्काई आ गया, ये हमारा कॉमन टॉयलेट आ गया यहाँ से और ये हमारे यहाँ से ये बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट आ गया। इस तरीके से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। यदि हमारे पास स्पेस बचती है या हमको लगता है कि हमारे पास भरपूर स्पेस है तो हम सेकेंड बेडरूम में भी अटैच टॉयलेट कर सकते हैं और इसको हम पाउडर टॉयलेट बना सकते हैं जो कि हमारे ड्रॉइंग डाइनिंग के साथ एक हमको फंक्शनली लगती है। ठीक है, इस वाली वॉल को क्योंकि ये हमारा 9 मीटर है, सपोज मैं यहाँ पर 4 मीटर ये डायमेंशन लेती हूँ तो ये मेरा 5 मीटर बचता है और इसमें से मैंने ये 3.5 मीटर लेके मैं इसको यहाँ पर इसे स्ट्रेट ये वॉल ले जाके यहाँ पर किचन बनाती हूँ और ये किचन के साथ ये वॉशिंग आई है, ये मेरा किचन के साथ वॉशिंग है, ये किचन है, किचन और स्टोर और यहाँ पर मेरा ये सेकेंड बेडरूम है और इस बेडरूम के साथ मेरे पास ये स्पेस है सफिशियंट। इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास 13 मीटर है। अब हम यहाँ से यदि टोटल करें तो ये मेरा वॉशिंग है, किचन है, फिर टॉयलेट है, ओपन टू स्काई है, टॉयलेट है और फिर बेडरूम है, तो 3.5 मीटर का मेरा सपोज 3.5 मीटर का मैं बेडरूम लेती हूँ, 3.5 मीटर का मैं मेरा किचन लेती हूँ, तो 3.5 और 3.5 7 मीटर ये हो गया। फिर हमारा ये वाला पार्ट भी लगभग 4 मीटर जाएगा, 7 and 4 11.5 मीटर हो गया और जो हमारे पास बचा है उसमें हम वॉल्स निकाल के और यहाँ पे वॉशिंग लेंगे और यदि वॉशिंग हमको 1.2 मीटर वाइड मिलेगा समथिंग, वॉल्स निकलने के बाद थोड़ा छोटा हो जाता है तो हम इसको बाहर प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से कुछ वॉशिंग एरिया को ऐसे प्रोजेक्ट करके वॉशिंग एरिया यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा ये जो अगेन मैं 3.5 मीटर वाइड ये बेडरूम लूंगी यहाँ पर भी और इसके साथ यदि मेरे को अटैच टॉयलेट अगेन चाहिए तो यहाँ पर एक टॉयलेट हम यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं ये वॉशिंग के पास इसकी विंडो यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से हम हाउस को डिजाइन कर सकते हैं, हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया हो जाएगा सेंटर प्लेस। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने क्या किया था, पहले हमको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम पहले ये वर्कआउट करेंगे कि हमारा प्लॉट जो है किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, रो हाउसेज है, डिटेच्ड है कि सेमी डिटेच्ड है, किसमें आ रहा है वो कैटेगरी हम पहले वर्कआउट कर ले। उस कैटेगरी में आने के बाद हमको मार्जिन कहाँ कहाँ छोड़नी है और कितनी छोड़नी है वो हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है, मार्जिन हमारे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली छोड़ना होती है। जब हमारे पास कोई क्राइटेरिया दिया नहीं है, आपको रोड की विड्थ नहीं दी है, सिर्फ हमको ये मालूम है कि हमारा जो बिल्डिंग है वो सिंगल स्टोरी है, तो सिंगल स्टोरी के लिए हमको रोड साइड में मिनिमम 3 मीटर छोड़ना होती है, इसलिए हम इसमें मिनिमम 3 मीटर छोड़ दिए हैं। बैक साइड में हमको 1.5 मीटर मिनिमम छोड़ना होती है, हमने बैक साइड में 1.5 मीटर छोड़ दिया और साइड में हम 2.5 मीटर से एक्स ज्यादा छोड़ते हैं, मैंने इसमें 3 मीटर लिया है। इसलिए लिया है कि सपोज यदि फ्यूचर या कंस्ट्रक्शन के समय ही यदि हमको लगता है कि इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में हम यहाँ पे गैरेज डेवलप कर रहे हैं तो इसके लिए हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए गाड़ी को यहाँ
तक ले जाने के लिए यहाँ मिनिमम ब्रेथ चाहिए, दैट इज 3 मीटर्स, इसलिए मैंने यहाँ 3 मीटर का मार्जिन छोड़ा है। इस प्रकार से हमने मार्जिन छोड़ दिया, फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें प्लानिंग करते हैं और ड्राइंग बनाते हैं। ये हमारा अप्रोच है, हम कैसे हमारी प्लानिंग तक पहुंचे, ये हमारा अप्रोच है। फिर इसके बाद हमसे जो भी डिटेल, इन्होंने इसमें हमको सिर्फ प्लान पूछा है। हमारे यहाँ एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में इन जनरल, कई बार लाइन प्लान दिया रहता है और वो बहुत इजी होता है कि लाइन प्लान दिया है आपने, वॉल प्लान बनाया, एलिवेशन सेक्शन, उसमें कई बार सेक्शन लाइन भी दी रहती है, हमको कोई दिमाग नहीं लगाना होता, सिर्फ ड्राफ्टिंग करनी होती है। इसमें थोड़ा सा हमारा स्किल वर्क है कि हमने रूम्स का प्लेसमेंट कैसे किया, हमने जो पढ़ा है जितना भी हमारा थ्योरी पार्ट है, बायलॉज, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, वो सारी चीजों का एसेंस इसमें आ जाता है, कैसे डेवलप करना। अच्छा, इसके साथ एक चीज और भी है हमको कि जो स्टेयरकेस है वो हमको आउटसाइड से प्रोवाइड करनी है, आउटसाइड से स्टेयरकेस प्रोवाइड करनी है, तो हम कहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो हमारी एंट्री है, गेट यहाँ पे आएगा क्योंकि ये पूरा पार्किंग जाने के लिए या गैरेज में जाने के लिए स्पेस बना रहे हैं, ठीक है। हम इस वॉल पे, इस आउटर वॉल पे यहाँ से जाके ऐसा स्टेयरकेस प्रोवाइड कर सकते हैं या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से जाके ऐसे ही चलेगा। दूसरा ये है कि गैरेज के साइड में नहीं, ये गैरेज बंद हो जाएगा, यहीं से हमको स्टेयरकेस लेना पड़ेगा, या फिर हम एल शेप में दें या यहाँ पर हम सर्कुलर स्टेयरकेस लगा के ऊपर जाने का स्पेस दे दें। इस टाइप से हम आउटर साइड से स्टेयरकेस देके इसको डिजाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बेसिकली प्लेसमेंट्स बताए हैं कि रूम्स के प्लेसमेंट्स कैसे कैसे हम कर सकते हैं, रूम के साइजेस जो है मैंने आपको बायलॉज जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि मिनिमम हमारा रूम का साइज क्या होना चाहिए। सिंगल रूम है तो रूम का साइज क्या होता है, 2 बेडरूम से यदि हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम एक रूम को मिनिमम कहाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं, उस टाइप से मैंने आपको पूरा बायलॉज में समझाया है, तो उस चीज को हमको यहाँ फॉलो करना है। हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग्स पढ़ी थी, उसमें ओरिएंटेशन, सर्कुलेशन, ग्रुपिंग, वो सब पढ़ा था, वो सब भी हमको इसमें फॉलो करना है। तो जब हम सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारा जो प्लानिंग है बहुत अच्छी होगी और सारे वर्क डिटेल्स हमारे अच्छे से वर्कआउट होंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में मैंने अगेन आपको किचन का लेआउट कैसे करना है, बेडरूम का कैसे करना है, ड्रॉइंग डाइनिंग का कैसे करना है, कहाँ पॉजिटिव हमको मिलेंगे स्पेसेस, कहाँ नेगेटिव स्पेसेस मिलेंगे, फर्नीचर का लेआउट कैसे करते हैं, डोर की पोजीशन कैसे करते हैं, वो सब बताए हैं। इस वाली ड्राइंग को बनाने का जो मेन था कि हमको जो प्रॉब्लम दी होती है उस प्रॉब्लम को हम कैसे कंसीडर करके बेसिक का लेआउट करते हैं और फिर डिटेलिंग का मैंने आपको पहले समझाया है, ठीक है। आई थिंक आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि यदि हमको प्लॉट साइज दिया हुआ है तो हम और कुछ नहीं दिया है तो हम बेसिक चीजें क्या क्या कंसीडर करके प्लानिंग तक पहुंच सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।